मुस्लिमों के सबसे बड़े धर्मस्थल मक्का के सबसे बड़ी मस्जिद अल हरम पर आतंकी हमला, सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने साजिश को किया नाकाम, 5 सुरक्षाकर्मी समेत 11 लोग घायल, 5 गिरफ्तार। आज से 3 देशों की 4 दिवसीय यात्रा पर रवाना हुए पीएम मोदी। मोदी सबसे पहले पुर्तगाल पहुंचकर वहां के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात करेंगे, फिर अमेरिका और नीदरलैंड्स जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पुंछ में गुरुवार को पाकिस्तान बैट टीम के हमले में शहीद हुए भारतीय जवान नायक संदीप जाधव और सिपाही सावन बालकू का आज होगा अंतिम संस्कार। परिवार ने कहा, पाकिस्तान से लो बदला। पार्टी से नाराज चल रहे गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला आज अपने भविष्य की रणनीति का खुलासा करेंगे। वाघेला ने आज शाम 4 बजे अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाया है। वाघेला ने पिछले दिनों राहुल गांधी से भी मुलाकात की थी। राजस्थान में फिर उठी जाट आंदोलन की आग की लपटें। राजस्थान के भरतपुर में ट्रेन और सड़क मार्ग बाधित। दिल्ली मुंबई रूट पर कई ट्रेनों की आवाजाही रोकी गई। ओबीसी में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं जाट। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए योगी सरकार आज से मुखबिर योजना की शुरुआत करेगी। लिंग परीक्षण करने वाले अस्पताल या नर्सिंग होम के बारे में सूचना देने वालों को यूपी सरकार इनाम देगी। सीएम योगी खुद करेंगे योजना को लॉन्च। एमपी में 15 दिन में कर्ज से दबे 22 किसानों ने की खुदकुशी। मृतक के घर से 50 किलोमीटर दूर सिनेमा का टिकट बेचते दिखे शिवराज के कैबिनेट मंत्री गोपाल भार्गव। यूपी के मुरादाबाद में ऑनर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। बेटी के प्रेम विवाह से नाराज होकर मायके वालों ने ससुराल में लड़की की गला दबाकर हत्या की। शव को चारपाई से बांधकर जला डाला। एक आरोपी गिरफ्तार। आज से 3 दिन तक बैंक बंद रहेंगे। शनिवार रविवार को छुट्टी और सोमवार को ईद के कारण बैंक बंद रहेंगे। लोगों को उठानी पड़ सकती है परेशानी। आईसीसी महिला विश्व कप का आज होगा आगाज। भारतीय टीम की मेजबान इंग्लैंड से दोपहर 3 बजे होगी भिड़ंत। दूसरे मैच में श्रीलंका और न्यूजीलैंड की टक्कर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।